बच्चों अपना जो लेसन चल रहा है समान हर दादी का सामान्य परिचय, उसमें अपना टॉपिक चल रहा है आरण पर ब्याज और उसकी विधि चल रही है औसत अवधि विधि। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई साझेदार प्रत्येक महारण करे समान राशि से करे और कंटिन्यू करे प्रत्येक महीने करे तो उसके कुल आरण पर 6.5 महीने का और 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। अगर वो प्रथम तिथि को आरण करता है तो 6.5 महीने का, मध्य में करता है तो 6 महीने का और अंत में करता है तो 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। औसत अवधि विधि उस दशा में भी लग सकती है। यदि कोई साझेदार तिमाही आरण करता है तिमाही आरण का मतलब है कि 3 महीने में एक बार आरण करेगा लेकिन विधि वही रहेगी औसत अवधि विधि। करता हो वैसी है, या तो प्रथम तिथि को करेगा या मध्य में करेगा या फिर अंतिम तिथि को करेगा, लेकिन आरण करेगा वो तिमाही आरण करेगा यानी 3 महीने में एक बार ही आरण करेगा। तो उसका वर्ष में कुल आरण 4 बार होगा। 3 महीने में एक बार आरण करेगा तो कुछ साल में उसका जो आरण हो गया वो 4 बार हो गया, तो उसमें भी आप औसत अवधि विधि का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन नियम वही कि या तो प्रथम तिथि को आरण करें या मध्य में करें या फिर अंत में करें, लगातार करें यानी प्रत्येक तिमाही को करें। जैसे मान लो पहली तिमाही के प्रथम दिन किया, फिर दूसरी तिमाही के प्रथम दिन करें, तीसरी तिमाही के प्रथम दिन करें और चौथी तिमाही के प्रथम दिन करें। इस तरह से वो क्या करेगा, तिमाही आरण करेगा और एक साल में 4 तिमाही होगी तो 4 बार आरण करेगा। मान लो पहले अपने प्रथम तिथि देखते हैं, एक अपना साल है वो 1 अप्रैल 2018 को शुरू होता है, ये समाप्त कब होएगा, 31 मार्च 2019 को। शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल 2018 को, समाप्त कब हुआ, 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गया। तो अपनी जो तिमाही है, 4 तिमाही आएगी, पहली तिमाही होगी अप्रैल मई जून, तो कब से 4 तिमाही आ गई अपनी, पहली तिमाही होगी 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक, दूसरी तिमाही होगी अपनी 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 30 सितंबर 2018 तक, अगले 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक और लास्ट होगी अपनी 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक। ये 4 तिमाहियां होगी। अगर अपना साल 1 अप्रैल को शुरू होता है तो 31 मार्च को समाप्त होएगा। पहली तिमाही 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक रहेगी, दूसरी तिमाही 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2018 तक, तीसरी 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक और चौथी 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक। ये 4 तिमाही होगी। अब यह कि इसमें औसत अवधि विधि का प्रयोग कैसे होगा, तो इसमें भी वही बात होगी कि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आरण करे या फिर प्रत्येक तिमाही के मध्य में आरण करे या प्रत्येक तिमाही के अंत में आरण करे। पहला इसमें देखो, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करे करे तो 7.5 महीने का ब्याज लगेगा उस पे
यानी उसके कुल आरण पर जो ब्याज लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? 7.5 महीने का। अब 7.5 महीने का कैसे आया? कल मैंने आप बताई थी औसत अवधि विधि का प्रयोग करते हैं अपने, तो औसत अवधि विधि में अपने महीनों की संख्या निकालते हैं, ये 7.5 माह का। तो ये 7.5 माह वो कैसे आए? तो इसके लिए हमें औसत अवधि निकालनी पड़ती है। अब औसत अवधि कैसे निकलेगी? देखो, कोई प्रथम आरण के बाद महीनों की संख्या प्लस में अंतिम आरण के बाद महीनों की संख्या बटे में 2। तो इसमें 7.5 महीने वो कैसे आए? प्रथम आरण वो प्रथम तारीख को कराया, तो 1 अप्रैल को किया। अब 1 अप्रैल को किया तो शेष महीने बच गए। 1 अप्रैल को करे तो ये सारा 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सारे महीने बच गए, तो महीनों की संख्या आ गई अपने 12। प्लस में अंतिम आरण करेगा वो अंतिम माह की प्रथम तारीख को करेगा। अंतिम तिमाही उसकी कौन सी है? अंतिम तिमाही उसकी कब प्रारंभ होती है? देखो, 1 जनवरी को प्रारंभ होती है, तो 1 जनवरी को प्रारंभ होगी। तो आगे कितने महीने? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बच गए। क्योंकि अंतिम जब तिमाही आएगी तो 1 जनवरी को शुरू हो जाएगी, और प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आरण करता है, तो 1 जनवरी को करेगा तो आगे कितने महीने बच गए? 3 माह बच गए। बटे में कितना करना है? 2, तो 7.5 माह, यानी कि 7.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आरण करे तो उसके कुल आरण पर 7.5 महीने का ब्याज आपको लगाना है। और वो 7.5 महीने आए कैसे? तो उसके लिए हमने औसत अवधि निकाली, और औसत अवधि का सूत्र हो गया प्रथम आरण के बाद महीनों की कुल संख्या। तो प्रथम आरण करेगा वो 1 अप्रैल को, उसके बाद कुल महीने वो 12 बच गए, तो यहाँ पे 12 आ गया। प्लस में अंतिम आरण करेगा तो अंतिम तिमाही के पहले दिन करा तो 1 जनवरी को किया, तो 1 जनवरी को किया तो उसके बाद 3 महीने बच गए, तो प्लस 3 आ गए, और बटे में 2, तो कुल कितना आ गया? 7.5 माह। ठीक है। नंबर 2, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आरण करता है, तो उसके कुल आरण पर 6 माह का ब्याज लगेगा। कितने माह का ब्याज लगेगा? 6 माह का। अब फिर वही बात कि 6 माह कब आए, कब कर रहे हैं? प्रत्येक तिमाही के मध्य में। मान लो ये 1 अप्रैल को साल शुरू हो रहा है, 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, तो तिमाही का मध्य कब आता है? जब 1.5 महीना गुजर जाता है, यानी 1.5 महीना जब गुजर जाएगा तो तिमाही का मध्य आ जाएगा। तो जब टोटल 12 महीने हैं और 12 महीने में से 1.5 महीना तो गुजर गया अपना, शेष कितना बचा अपना? शेष बच गया 10.5 माह, तो यहाँ पे लेंगे अपने 10.5। प्लस में अंतिम तिमाही जब आएगी, अंतिम तिमाही अपनी ये है, इसका मध्य कब आएगा? 1 जनवरी को स्टार्ट है, तो मान लो 15 फरवरी को आएगा। कब आएगा? 15 फरवरी को। तो फिर आगे कितने महीने बच गए? 1.5 महीने ही बच गया, यानी आधी फरवरी बच गई, पूरा मार्च बच गया, तो आगे बच गया अपना 1.5 माह, तो 1.5 आ गया, और बटे में 2, तो वही आ गया अपना 10.5 प्लस में 1.5 बटे 2, तो 12 बटे 2, तो कितना आ गया अपना? 6 माह आ गया। तो कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आरण करते हैं तो उसके कुल आरण पर 6 माह का ब्याज लगेगा, और वो 6 माह वो 10.5 प्लस 1.5 बटे 2। 10.5 कैसे आया? पहली बार आरण करेगा तो प्रथम तिमाही के मध्य में करेगा, तो 1.5 महीने गए, आगे कितने महीने बच गए? 10.5। लास्ट करेगा तो लास्ट तिमाही के मध्य में करेगा, तो आगे 1.5 बच गया, बटे में 2, तो टोटल आ गया अपना 6 माह। नंबर 3 पे, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आरण करता है, अंतिम तारीख को आरण करे, अंत में
आहरण करे। तो उसके कुल आहरण पर 4.5 माह का ब्याज लगेगा। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करे तो उसके कुल आहरण पर 4.5 महीने का, वही बात 4.5 महीने आए कैसे, फिर वही देखो प्रत्येक तिमाही के अंत में कर रहा है। ये तिमाही 30 जून को समाप्त हो रही है, तो यानी कि उसने 30 जून को किया, तो 30 जून को आहरण किया तो उसके आगे महीनों की संख्या वो कितनी बच गई, 3 महीने तो गए, आगे बच गए 9 माह। ठीक है, प्लस में अंत में जब आहरण कर रहा है तो वो कब कर रहा है, लास्ट तिमाही के अंतिम दिन, तो 31 मार्च है, तो 31 मार्च को जब आहरण करेगा तो उसके आहरण पर कारण अंतिम आहरण कर 31 मार्च को, तो आगे कोई टाइम नहीं बचा, यानी कितने महीने बचे अपने, 0 मंथ, 0 बच गया, बटे में 2, तो वही आ गया अपना 4.5। तो यह कि अगर कोई साझेदार तिमाही आहरण करता है तो भी आप उस अवधि विधि का प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते कि आहरण प्रत्येक तिमाही को किया जाए, एक ही तिथि को किया जाए, समान राशि से किया जाए। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करे तो 7.5 महीने का, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करे तो 6 महीने का, और अंत में आहरण करे तो 4.5 महीने का ब्याज इस पर लगाया जाता है। अब मान लो इसे अपने सूत्र रूप से करते हैं, पहला है अपना देखो, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करता है तो इस सूत्र रूप में देखेंगे, ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर आहरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू प्रथम दिन आहरण करता है तो 7.5 महीने का ब्याज लगाना है, 7.5 बटे 12। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करता है तो 7.5 महीने का ब्याज लगाना है, तो आहरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर आपको दी होगी और 7.5 महीने का ब्याज लगाना है। जैसे मान लो किसी फर्म में राम एक साझेदार है जो प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन 10,000 रुपये का आहरण करता है, प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन 10,000 का आहरण करता है, आप प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन 10,000 रुपये का आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि कितनी होगी, एक साल में 4 तिमाही होगी, यानी आहरण वो 4 बार करेगा, प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन करता है, आहरण वो कितनी बार करेगा, 4 बार करेगा, आहरण की कुल राशि होगी 10,000 × 4, ठीक है, इंटू ब्याज दर, ब्याज दर अपने इसमें मान लेते हैं बराबर 12% वार्षिक, तो ब्याज दर कितनी होगी 12%, तो 12 बटे में 100 इंटू कितने महीने का लगाना है, 7.5 महीने का, तो 7.5 बटे 12, 12 से 12 गए, 2 जीरो से, ये मान लो 40,000 हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 400 बच गए, अब 400 को क्या करोगे अपने 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40,000 × 12 बटे 100, 7.5 बटे 12, 12 से 12 गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 400 × 7.5, 700 के 2,800, तो वो हो गए और 3,000 रुपये हो गया, कितना आ गया ब्याज की राशि, वो आ गई 3,000।
तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आरण करता है तो उसके कुल आरण पर 7.5 महीने का ब्याज लगाना है। उसे शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ब्याज बराबर आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 × 7.5/12। आरण की कुल राशि होगी 40,000 और ब्याज दर होगी 12%, तो 12/100 हो गया। और 7.5 महीने का लगाना है तो 7.5/12, तो 12 से 12 गए, 2 जीरो से 2 जीरो गई और इसे किया था 3,000 रुपये आ गया। नंबर 2 पे है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आरण करता है तो सूत्र रूप में लिखेंगे ब्याज बराबर आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 × 6/12। तो सवाल वही लेते हैं अपने कि राम है वो 10,000 रुपये प्रतिमारण करता है, प्रति तिमाही में, एक तिमाही में 10,000 रुपये का आरण करता है और ब्याज की दर है 12% वार्षिक। तो आरण की कुल राशि, तो तिमाही तो 4 बार ही आएगी, तो यहाँ पे आ गया 40,000 इंटू ब्याज दर, ब्याज दर कितनी दे रखी है 12%, तो 12/100, 6 महीने का लगाना 6/12, तो 40,000 इंटू 12/100 6/12, 12 से 12 गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये आ गया अपना 2400 रुपये, ये आ गया अपना 2400 रुपये। तो 6 महीने का 40,000 का 12% 6 महीने का 2400 रुपये आ गया। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आरण करता है तो उसके कुल आरण पर 6 माह का ब्याज लगाया जाता है। तो कुल आरण इसमें हो गया प्रत्येक महीने 10,000 का आरण, तो 10,000 और एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो 40,000 आ गए, तो यहाँ पे आरण की कुल राशि 40,000 होगी। ब्याज दर कितनी होगी, 12% दे रखिए, 12/100 हो गए इंटू 6 महीने का लगाना है, 6/12 हो गए, 12 से 12 दो काट दिए, 6×6=2400 रुपये आ गया। अब इसमें लास्ट आ गया अपना यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आरण करता है तो अंत में आरण करता हो तो ब्याज लगाना है 4.5 माह का। तो सूत्र रूप में लिखेंगे तो ब्याज बराबर आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100, आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 और 4.5 महीने का लगाना है, 4.5/12। अब इस सवाल को करते हैं, 5,000 रुपये 10,000 रुपये प्रतिमारण हो गया,
अर्न है उधर जाके प्रतिमा हो गया, ब्याज दर होगी 12% वार्षिक, तो कुल अर्न हो गया वही, एक साल में चार तिमाही होगी तो चार बार अर्न आ गया, चार बार अर्न आ गया तो 10×40,000 तो अर्न के हो गए, इनटू ब्याज दर कितनी है 12% वार्षिक, 4.5 महीने का लगाना 4.5/12, 12 से 12 गए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये हो गया अपना 1800 रुपये। तो यदि कोई सर्जदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आरण करता है तो 4.5 महीने का ब्याज लगाना है, वही आ गया अपने 1800 रुपये। और प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आरण करें तो 7.5 महीने का, मध्य में करे तो 6 महीने का, और अंत में करे तो 4.5 महीने का। ये अपनी होगी आरण पर ब्याज की तीनों विधियां होगी, सामान्य विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि। आरण पर ब्याज की पहली विधि थी अपनी सामान्य विधि, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते अपनी सामान्य विधि, जिसका सूत्र था अपना आहरण की राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू माह या दिनों की संख्या बटे में 12 या 365, ये तो अपना था सामान्य विधि का सूत्र। नंबर 2 पे थी अपनी गुणनफल विधि, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 1/12 या 365। तीसरी विधि अपनी होगी औसत अवधि विधि, इसमें 2 थे अपने, एक तो मासिक आहरण एक था तिमाही आहरण। इसमें 3 था, यदि माह की प्रथम तारीख को आहरण करें को आहरण करें तो सूत्र था आहरण की कुल राशि, कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू में 6/12। यदि माह के मध्य में आरण करें तो सूत्र था अपने आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 6/12। नंबर 3, यदि माह की
अंतिम तारीख को आरण करे। आरण करे इसका था आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 5.5 बटे में 12। ये तो गया अपना मासिक आरण। तिमाही आरण में था यदि तिमाही के प्रथम दिन आरण करें आहरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 और 7.5 महीने का तो 7.5 बटे में 12। यदि तिमाही के मध्य में आरण करें आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू 6/12। और लास्ट था यदि तिमाही के अंत में आरण करें इसका था अपने आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 4.5 बटे में 12। टोटल हो गया अपने सामान्य विधि होगी गुणनफल विधि होगी औसत अवधि विधि होगी अगर मासिक आरण करे और तिमाही आरण करे।